वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिल्पा स्टूडेंट। वेलकम टू यू गाइस। और अभी बज गए हैं सुबह के 8 और मैं तो उठ गई हूँ और सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं आज पूरा दिन मैं घर पे अकेली रहने वाली हूँ क्योंकि मम्मी नहीं है, मम्मी गई हुई है दी के घर। क्योंकि लास्ट वाला ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बोला था, लास्ट वाला ब्लॉग मैंने कल ही शूट किया था और मैं फिर से आज सुबह से ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि कल भी हम लोग वहाँ पे भी थे, फिर कल शाम को आई मैं। क्या हुआ वो आप लोग लास्ट वाला ब्लॉग में देख लीजिए, अगर नहीं देखा तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन सब में लगा दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी होगा, आप लोग वो देख लेना। तो उसके बाद आज भी सुबह मम्मी 7 बजे चली गई है दी के घर और मैं हूँ घर पे। तो अभी तक मैंने चाय भी नहीं पिया क्योंकि मम्मी मेरी उतने से पहले ही चली गई, इसलिए तो मैं तो अभी मतलब पूरा दिन अकेले ही रहने वाली हूँ, इसलिए मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और पूरा दिन शूट करूँगी आप लोगों के लिए। तो फिलहाल तो मैं वो कुछ कर रही थी, कुछ लोग आए थे उन लोगों से बात कर लिया, अभी तक फेस वॉश ही नहीं किया, ब्रश ही नहीं किया। तो पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद टी बनाऊँगी, अकेली पीना पड़ेगा आज। तो उसके बाद टी पियेंगे और क्या करते हैं देखते हैं। मुझे एक जगह पे जाना था लेकिन वहाँ पे पहले फ़ोन करना पड़ेगा, अगर वो मतलब वो मुझे बुलाते हैं तभी मुझे जाना है, अगर उनका उनके पास आज टाइम नहीं है तो नहीं जा सकते। तो मैं उनको भी एक बार कॉल कर लूँगी, अगर मिलना हुआ तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी। अगर जाऊँगी तो आप लोगों को बता दूँगी कि इस बार किस लिए जा रही हूँ, अगर नहीं जाऊँगी तो नहीं बताऊँगी, कॉल करके देखूँगी मैं एक बार। और तो अभी मैं अपना ब्रश कर लेती हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ओके तो गाइस मैंने बिस्तर लगा दिया और अभी मैं पी रही हूँ अपना टी अपने कप में। तो उसके बाद मैं घर का जो बचा कोचा काम होता है वो पूरा कर लूँगी और साथ में मैं फ़ोन भी कर लूँगी, देखते हैं क्या बोलते हैं। अगर जाना होता अच्छा था ना, आप लोगों को भी मैं दिखा सकती थी, तो देखते हैं। गाइस मैंने काम वाम कर लिया है और सब कुछ कर लिया लेकिन अभी तक नहाया नहीं मैंने, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। और मुझे जो कॉल करना था मैंने कर लिया था, उन्होंने बोला कि अभी नहीं मिल सकती, वो बिहू के बाद मिलेंगे, तो इसलिए तो अभी तो मुझे बाहर भी नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना, कोई घर पे है भी नहीं जी कि मैं किसी से बात करूँ, तो इसलिए मैं यही बेड पे वही बैठी हूँ फिर से, क्योंकि कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ भी तो करने के लिए है नहीं मेरे पास। तो इसलिए तो अभी मैंने कल जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो अभी मैं एडिट करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि मैं जो कल वीडियो मैंने बनाया था वो मैंने सोचा था कि मैं कल ही अपलोड कर लूँ, लेकिन एडिट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला और एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, इसलिए तो पहले मैं एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी और उसके बाद मुझे आज खाना भी बनाना है क्योंकि मम्मी नहीं है, तो मुझे तो खाना है ना, तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, एकदम मैं पहले वीडियो एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाने के टाइम पे ही आप लोगों को मिलूँगी। तो गाइस इट्स 1:14 और मैंने अपना सारा काम कर लिया, एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया और उसके बाद मैंने नहा भी लिया और मैंने अभी दाल चावल भी बना लिया। और अभी क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे तो मुझे बहुत कुछ नहीं बनाना क्योंकि सिर्फ मैं ही खाऊँगी और मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कुछ दूसरा नहीं करते और क्या बनाते हैं, टोमेटो के साथ एक, इसको शायद भुर्जी बोलते हैं, मुझे नहीं पता अच्छे से इसका मतलब असली नाम क्या है, लेकिन ये डिश मुझे पसंद है, बहुत ही पसंद है। तो मैंने सोचा है कि मैं ये बनाऊँ आज और सिंपल करके खा लूँ, है ना, क्योंकि अकेली हूँ क्या करें, है ना। तो अभी मैं वो बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं वो रेसिपी भी थोड़ा सा ऐसे दिखा दूँ, बहुत ऐसे बहुत एकदम बड़ा वाला रेसिपी नहीं है,
लेकिन मेरे लिए है कि मैं ये पसंद करती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो। इस रेसिपी के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पहले हमें चाहिए एक टोमेटो लिया है मैंने यहाँ पे, जो मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, उसको भी काट लिया है, मिर्च काट लिया है, और क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे और सिर्फ मैं ही खाऊंगी, इसलिए मैं सिर्फ 1 एग का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी हम लोग बनाने के प्रोसेस में जाते हैं। यहाँ पर ये गर्म हो गया है तो यहाँ पर मैं दे दूँगी ऑयल, हो गया है तो इस पे मैं दे दूंगा ये प्याज और मिर्च, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी, पूरा फ्राई नहीं होने दूंगी, इसका थोड़ा ब्राउनिश कलर होने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। देख सकते हैं आप लोग ये थोड़ा ब्राउन हो गया है, तो अभी हम इसे देंगे जो टोमेटो काट के रखा था वो। ये रहा नमक, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कलर निकल गया है इसका, है ना, टेस्टी दिख रहा है ना। देखिए इसको ढक्कन के लिए लगाना पड़ा और निकल गया टोमेटो। फ्राई कर देंगे अच्छे से पूरा। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो यहाँ पे अब हम लोग अंडा, जो अंडा लिया था हम लोगों ने, वो आप फोड़ देंगे यहाँ पे। तो मैं कैमरा लेके तो वो काम नहीं कर सकती, तो मैं पहले अंडा दे देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। अंडा दे दिया है और अभी इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, इसे भी भुर्जी कहते हैं या सिर्फ अंडा ऐसे फ्राई करने से भुर्जी कहते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये रेसिपी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही रहने में पसंद है। थोड़ा सा फ्राई करूँगी तो मैं इसे ऑफ कर दूँगी। दिख रहा है टेस्टी, गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये क्विक सा रेसिपी, क्योंकि घर पे कोई नहीं है तो मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ क्विक सा रेसिपी बनाऊंगी, क्यों ताकि जल्दी हो जाए, और इसलिए मैंने बना भी लिया। और ये ना मेरा शान और मेरा जो ये दुश्मनी है कि इसके तरफ ही मुझे रहना है, ये मुझे बिल्कुल आजकल पसंद नहीं आ रहा है। ओके तो मैंने बना लिया है और अभी टाइम देखती हूँ 1:31। देखिए कितना क्विक है,
तो अभी अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं जल्दी से खाना खा लूँगी और उसके बाद मुझे एक थंबनेल बनाना है और कुछ काम है वो सब करूँगी, और उसके बाद कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद ट्यूशन वो एज़ यूजल जो होता है। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ। तो गाइस मैं खाना खा के सो गई थी और अभी मैं उठ गई हूँ और मुझे जो काम था सब कुछ कर लिया है और अभी 5 बज गए हैं तो मुझे जाना है ट्यूशन। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो का लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।